हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, आज हम जा रहे हैं दो धाम यात्रा, यमुनोत्री और गंगोत्री। ये तो तैयार हो चुके हैं, अब निकलते हैं यहाँ से। तो आप व्लॉग में बने रहिए, आप देखते रहिए, मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता रहूँगा रास्ते में, जैसे भी मुझे दिखेगा। तो चलो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं आगे। तो निकल रहे हैं हम, सुबह के 5 बज चुके हैं, निकल रहे हैं। तो हमारी गाड़ी भी आ चुकी है, आज हम अपनी गाड़ी से नहीं जा रहे हैं, तो आज हमारी गाड़ी आ चुकी है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं राजभवन कैंट एरिया में। कितना मस्त नज़ारा है सुबह सुबह का। ये मनीषा, ये रही हमारी गाड़ी और ये रही स्वाति। और यहाँ हमें एक दूसरी फैमिली ज्वाइन करने वाली है, अंकल लोग हैं, तो वो भी हमारे साथ चल रहे हैं। चलो और ये पहुंच चुके हैं हम कैंपटी फॉल। अभी कैंपटी फॉल का कितना सुंदर नज़ारा है, देखिए आप, दिखाता हूँ। ये रहा कैंपटी फॉल, रहा कैंपटी फॉल। ये रहा कैंपटी फॉल, और ये रही हमारी फैमिली, हमारी सवारियां। कम टू माय व्लॉग गाइस, ठीक लगता है यहाँ पे हमेशा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं डामटा में, ये है डामटा का मार्केट। तो अभी पहुंच चुके हैं हम लाखा मंडल, अभी यहाँ पे थोड़ा रेस्ट लेते हैं, मंदिर घूमते हैं, अभी थोड़ा पहले लंच कर लेते हैं। ये बैठे हैं हमारी सवारी। ये देखो कितनी अच्छी जगह पे हमें खाना खाने को मिला है। ये इनका भूल का वो है नतीजा, अगर ये इनको पता होता तो हम यहाँ पे कहाँ से आते हैं। इनसे मुलाकात नहीं होती भाई साहब से। ये हो रहा हमारा लंच। हेलो गाइस, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं
कहाँ, यहाँ तो आना ही नहीं था, यहाँ तो आना ही नहीं था, लेकिन आ गए। अब हम जा रहे हैं गुफा की तरफ, यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध गुफा एक। और ये पूरा लाखा मंडल ये रहा, बहुत खूबसूरत है लाखा मंडल। कैसा लग रहा है आपका? बढ़िया, बहुत आनंददायक, मजा आ रहा। चलो ये आपकी भी शुभ यात्रा हो। ये है माँ भवानी गुफा लाखा मंडल में, बहुत ही दिव्य गुफा है। ये गुफा देखो आप लोग, कितनी खतरनाक है, ऊपर पत्थर भी बहुत तगड़े, बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई है, प्राकृतिक बनी हुई है ये गुफा, बहुत ही अद्भुत, बहुत मज़ा आ गया ये देख के। ऐसी ऐसी चीज़ें भी हैं हमारे उत्तराखंड में देखने के लिए, आओ और एक्सप्लोर करो उत्तराखंड को यार। ये दिव्य गुफा माँ भवानी लाखा मंडल में जो है, रील फोटोग्राफी करनी है, कितनी जल्दी हो रही है अंदर जाने। चलो, व्हाट अ व्यू मैन, वो तो कोई मेरी मां भी नहीं देखो, जगह जगह खड़ी है। ये गुफा देखिए आप लोग, कितनी अच्छे तरीके से बनी हुई है, तो थोड़ा झुक के चलना पड़ता है। और यह है मंदिर, देखो यहाँ से भीम मारा है, नीचे आते ही बोला करो। ये गौशाला बनी हुई है यहाँ, देखो प्राकृतिक गौशाला बनी हुई है। अब ये पहुंचे हम लाखा मंडल के मंदिर के द्वार पे। कितने बड़े बड़े बकरी देखे, कितने बड़े बड़े बोलो मैं।
ये है लाखा मंडल जो मंदिर है। पहुंच चुके हैं लाखा मंडल मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं अभी। यह है खूबसूरत लाखा मंडल का मंदिर, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। विराजमान थी 1,25,000 की स्थापना हुई और 4 यहाँ शिवलिंग सत्ययुग के अंदर विराजमान है। तृतायुग का लाल कलर में है, द्वापर का हरे कलर में, और कलयुग का आगे जिसपे आप जल चढ़ाएंगे उसमें आपकी फोटो दिखेगी उस शिवलिंग के अंदर। और यहाँ पर पांडव को जलाने के लिए लाक्षागृह बनाया था, ये लाक्षागृह है। अच्छा, जो ये लाल पत्थर है ना, जी लाक्षागृह का। और यहाँ पर ये दो द्वारपाल हैं, उनके बीच यहाँ से गुफा है, पांडव को उस गुफा में बाहर निकाला, जो नीचे गुफा है रोड पर। अच्छा, जो रोड पे है, यहाँ से लाक्षागृह सुरंग है ना, और यहीं पर यहाँ से कहाँ पे हो, इन दोनों द्वारपाल के बीच में है, बंद करा है ना गोल पत्थर। जी जब आप आगे जाएंगे तो आगे शिवलिंग है, उसमें आप जल चढ़ाओ जी, गेट से बाहर जाओ जी, बगल में कुटिया दिखे ना, जी वहाँ पर शिवलिंग है, उसमें जल चढ़ाओ, फिर आप निकल लो यमुनोत्री के लिए। यमुनोत्री के लिए आप यहाँ से, धन्यवाद। आप भी जाओ, लाक्षागृह लाक्षागृह है। यह है लाक्षागृह, और ये वो गुफा का द्वार है जहाँ से पांडव भागे थे और नीचे जाके रोड पे निकले थे। चलो आगे देखते हैं। और और एक ये शिवलिंग है लाखा मंडल में ही मंदिर के पास, जहाँ जो कलयुग का शिवलिंग जैसा कहा जाता है, और इसमें फोटो दिखती है खुद की, ये कलयुग का शिवलिंग है। और यह यहाँ के बारे में पॉज करके आप पढ़ लेना। सजना जी मैनू छड़ के नी जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियो दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं। Finally we are here.
तो फाइनली हम लोग पहुंच गए जानकी चट्टी। यहाँ पे है बहुत ज़्यादा ही ठंड और नज़ारा देखने आपका बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और देख लीजिए काफ़ी मस्त है। और ये लिया हमने, और हमने यहाँ पे अभी तीन रूम किए हैं जिसमें अभी एक में लेडीज़ पार्टी, एक में जेंट्स पार्टी और एक में बच्चा पार्टी है। देख लीजिए ये है हमारा होटल जहाँ हम रुके हैं अभी। तो अभी हम सामने में बात करते हैं। तो पहुंच चुके हैं हम जानकी चट्टी। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ का। ये रहा जानकी चट्टी, ये रही हमारी गाड़ी और ये होटल लिया है हमने। कितना प्यारा व्यू है जानकी चट्टी का, ये देखिए आप, बहुत ही प्यारा व्यू। ये रहा खरसाली जाने का रास्ता। खरसाली वो जगह है जहाँ यमुनोत्री 6 महीने के लिए विराजमान होती है। जब यमुनोत्री जी के कपाट बंद हो जाते हैं तो वो आके खरसाली में, उनकी डोली खरसाली में स्थापित हो जाती है। ये सामने मंदिर है, ये रहा खरसाली। चलो ये रहा जानकी चट्टी, बहुत प्यारा लग रहा है, इट्स अमेजिंग, वाओ। तो फाइनली हमें रूम मिल चुका है। तो पहुंच चुके हैं हम जानकी चट्टी, होटल में एंटर कर चुके हैं, रूम मिल चुका है। ये देखिए रूम, ये बेड है, ये वॉशरूम है, यहाँ पे ये शीशा है, ये ना। तो पहुँच चुके हैं होटल रूम में। तो आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं, कल हमें सुबह निकलना है यमुनोत्री ट्रैक पे। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। With the